फिल्म काली को लेकर विवाद अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। दो दिन पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें मां काली बनी अभिनेत्री को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो विवादित पोस्टर है जहां मां काली का अपमान किया गया, और अब इस विवादित पोस्टर पर हंगामा हो रहा है। फिल्म मेकर लीना मड़ी मैकलाई सवालों में घिर गई हैं और ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। लीना के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। गौ महासभा के अध्यक्ष अजय गौतम ने यह शिकायत भेजी है दिल्ली कमिश्नर, गृह मंत्रालय को यह शिकायत भेज दी गई है। हिंदुओं के आराध्य, उनका अपमान क्यों होता है? आप फिल्म में कुछ भी दिखाते हैं, ये कौन तय करेगा कि आपको किस तरह से हिंदू देवी देवताओं की को लेकर जिस तरह से आस्था है उस पर आप कुताराघात करेंगे, उस पर आप चोट करेंगे, ये अधिकार आपको किसने दिया? ये सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। कब तक हिंदुओं की भावनाओं को यूं ही भड़काता रहेगा इस तरह के कुछ लोग, इस तरह के कुछ फिल्म मेकर? अब विवादित पोस्टर पर जमकर हंगामा हो रहा है। विनीत नाम के शख्स ने शिकायत की है, फिल्म निर्माता की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की गई है, और यही है वो फिल्म मेकर जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और एक तस्वीर आप वो पोस्टर भी देख रहे हैं जहां पर मां काली का अपमान किया गया है, सिगरेट पीते हुए इस पोस्टर में दिखाया गया। श्री परपंच हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री, अब तक इस मामले में लोगों का आक्रोश किस तरह से दिख रहा है, क्या एक्शन लिया गया है? आपको बताएं कि लीना मणिमेगले तमिलनाडु में बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। इनका आगा खान टोरंटो में आगा खान म्यूजियम में एक डॉक्यूमेंट्री इनकी लॉन्च हुई है काली, और उस काली के प्रमोशन के लिए इन्होंने एक ट्वीट डाला था। इनफैक्ट इस फिल्म का पोस्टर का एक फ़ोटो का ट्वीट डाला था जिसमें ये एक आपत्तिजनक फोटो था जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि माँ काली के एक हाथ में एक सिगरेट था और दूसरे हाथ में LGBT का एक ध्वज यहाँ पे दिखाया गया था। इनफैक्ट ये देखा गया था कि पूछा भी गया था कि ये आपत्तिजनक पोस्टर है, कई सारे लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन में रिएक्शन भी देखने को मिला था। उसके लिए लीना मणिमेगले ने एक ट्वीट भी डाला था कि ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टोरंटो में एक शाम को जब अगर काली माँ आती है तो किस प्रकार का एक नज़रिया देखने को मिलता है, इस विषय पर उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब कोई इस डॉक्यूमेंट्री को देखता है तो उनका जो नज़रिया है वह बदलता है। उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री के देखे बगैर कई सारे लोग लीना मणिमेगले को अरेस्ट करने की मांग यहाँ पे एक तरफ कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने कहा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री देखता है तो वो मांग इनफैक्ट वापस ले लेंगे, और उन्होंने वो कहेंगे कि आई लव लीना मणिमेगले, इस प्रकार का बयान भी देखा था। फिर दोबारा हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन में उनके विरुद्ध में कई सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, तब फिर से लीना मणिमेगले ने ट्वीट कर कहा था कि उनके लिए खोने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि अब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो मानती हैं वो बहुत ही इनफैक्ट बोल्डली वो उस पर बात करेंगी, और साथ ही साथ अगर इसके लिए उनको जान भी देना पड़े, उसका अगर प्राइस अगर जान भी है तो वो भी देने के लिए वो तैयार हैं। तो इस प्रकार का एक बयान लीना मणिमेगले की तरफ से देखा गया था। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो वह मानती हैं उसी पर वो बात करेंगी, और अगर उसके लिए जान भी देना पड़े तो उसके लिए वे तैयार हैं। तो इस प्रकार का एक बयान लीना मणिमेगले की तरफ से आया था, और इसके बीच हम देख सकते हैं कि कई सारे कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं, अभी तक कोई FIR फाइल नहीं हुआ है। फिलहाल अभी के लिए हम देख सकते हैं कि कई सारे लोगों के जो भक्ति है, भावना है, उन पर ठेस पहुंचाया गया है, ठेस पहुंचाने का कंप्लेंट देखा जा सकता है ऑनलाइन में। एक इनफैक्ट कई सारे लोग इस पूरे इस पिक्चर का, इस फोटो का और कुछ क्लिप्स बाहर आए हैं उसका विरोध करते हुए कई सारे लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में विरोध कर रहे हैं इस पोस्टर का और लीना मणिमेगले का। ठीक है श्री परपंच, आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन ये चार तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। ये पहली तस्वीर जो पोस्टर रिलीज किया गया ट्वीट के जरिए, उसमें मां काली को, जो देवी हैं जिनके प्रति अगाध श्रद्धा है हिंदुओं के मन में, उनको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, विनीत नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई, फिल्म निर्माता को कड़ी कार्रवाई उन पर की जाए, ये मांग यहां पर की गई। लीना मणिमेगलाई, इन्होंने ये फिल्म बनाई, निर्देशक है, फिल्म निर्माता की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की गई है, और जो शिकायत यहां पर लिखी गई है, जो आवेदन यहां पर दिया गया है, उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
और राहुल ईश्वर हिंदू एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल जी, कब तक ये सब होता रहेगा? कोई कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई किसी तरह की लिबर्टी बताता है और इस तरह से हिंदुओं की भावनाओं के साथ अपमान करते हैं। मां काली को सिगरेट पीते हुए यहां पर दिखाया गया। राहुल ईश्वर जी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरह से यहां पर फिल्म परोसने के नाम पर, फिल्म का प्रमोशन के नाम पर कुछ भी करेंगे, किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। 2 जुलाई को यह पोस्टर रिलीज किया गया और जब पोस्टर रिलीज किया गया, बहुत सारे लोग थे जो सोशल मीडिया पर आपत्ति दर्ज करा रहे थे और जो शिकायत करता है, जिनकी तरफ से शिकायत की गई कि फिल्म निर्माता की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। Today I file a complaint against the director Leena, who has making an objectionable movie upon Maa Kali, in which she predicted that Maa Kali having a cigarette in her hand and smoking that cigarette. She also, on the same time, she also shown that the Maa Kali also having LGBT community flag in her hand, which is in any manner cannot justify by her. By making this kind of movie and this kind of posts on her Twitter account, she has hurt Hindu sentiments. Also, being a Hindu, I have a right to file a complaint against her, and I filed a complaint before Cyber Cell Delhi Police against that lady, the director, under Section 295A, 298, 505, 34 IPC, and 67 of IT Act. Hopefully, the Delhi police take an appropriate legal action against her and by lodging an FIR. And also, I also write a letter to Prime Minister of Canada to stop of screening of this movie in Canada as soon as possible, and also copy to the Indian Broadcasting Ministry to stop this propagating and objectionable movie in India. Thank you. तो शिकायतकर्ता को यहां पर आपने सुना, जो ये गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं फिल्म निर्माता की, ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं और ये वही पोस्टर है जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। श्री परपंच हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। श्री, जरा ये बताइए कि जो फिल्म निर्माता हैं लीना, जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या किया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है? आपको बताएं कि लीना मणिमेगले तमिलनाडु में इसी प्रकार के प्रोग्रेसिव इन्फैक्ट कहे जाने वाले फिल्म्स के डायरेक्टर मानी जाती हैं और इसी प्रकार के फिल्म्स उन्होंने पहले भी लिया बनाया है। और अब देख सकते हैं कि लीना मणिमेगले फिर से एक सवालों के घेरे में आ चुकी हैं, जहां पे माँ काली का एक फ़ोटो उन्होंने डाला है, एक वीडियो भी वायरल है जहाँ पर एक हाथ में LGBT का झंडा वहाँ पे पकड़ते हुए और दूसरे हाथ में सिगरेट पीते हुए, ये एक बहुत ही आपत्तिजनक तौर पर सभी लोग देख रहे हैं। कई सारे लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार का एक बहुत ही आपत्तिजनक, भगवान का इस प्रकार का दृश्य दिखाना ठीक नहीं है, ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि माँ काली यहाँ पे शक्ति के तौर पर एक जो कहा जा सकता है कि ईविल के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली एक देवता के रूप में मानी जाती हैं, उस प्रकार के देवता को यहाँ पे इस प्रकार के काम करते हुए दिखाना ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इस प्रकार के कई सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और कई सारे लोगों ने भी आपत्ति जताई है और वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन में। ठीक है, दोबारा हम आपके पास आएंगे। विनोद बंसल जी VHP की तरफ से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, इससे पहले भी कई बार हुआ है जहां हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह से विवादित पोस्टर हुए, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और एक बार फिर से माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया गया। देखिए, ये जो एक जमात है दुनिया के अंदर, जो कि हिंदू मानविंदुओं, हिंदू धर्मस्थलों और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में ही अपने आप का गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस तरह से मुलायम सिंह ने कहा था कि भी हमें तो मारने में बड़ा गौरव महसूस होता है, अगर कुछ और भी होते तो हम उनको मार देते, क्योंकि मुसलमानों को खुश करना था। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है ना जी, कुछ इस्लामिक जिहादियों की और कुछ सेकुलर ब्रिगेड की, ये बहन जो है ना उसी सेकुलर ब्रिगेड के उस जिहादी कीड़े की शिकार है जिसने ये फिल्म बनाई है और इसका ऐसा पोस्टर आउट करके वो कहती है कि ये लव
हम जो ये तो प्यार को दर्शाती है पिक्चर, अरे इनको बोलिए कि ऐसी कोई पिक्चर किसी और रिलीजन के बारे में बना के दिखा दो, सारली एप्ट हो जाएगा, गले के कितने टुकड़े होंगे इनको पता भी नहीं लग पाएगा। हिंदू जो है सहिष्णु है लेकिन भीरू नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए इनको सबको। और जिस तरह की बेहुदा हरकतें करके ये चीप पब्लिसिटी बटोर करके फिल्म को प्रमोट करना चाहते हैं वो गलत है। संपूर्ण विश्व समुदाय जानता है कि हिंदू समाज हिंसक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी सहिष्णुता का कोई मजाक उड़ाते रहो और उनका नाजायज फायदा उठाओ। इनको अविलंब जो है ना हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए और इस पोस्टर को विड्रॉ करना चाहिए। और तीसरी बात, जो जस्टिन ट्रूडो जो वहां के कनाडा के राष्ट्रपति हैं प्लस भारत सरकार को और भारत की नोटिफिकेशन बोर्ड को, इन सबको मिलकर के आईबी मिनिस्ट्री को इसमें इसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। अच्छा विनोद बंसल जी, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। लेकिन उससे पहले हिंदू एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा वो जरा सुनाते हैं। Liberty comes along with sensitivity. Freedom comes along with responsibility. Can we live in a world without being sensitive, respectful and responsible? What happened with the Kali post is that Leena created a hate poster against Hindu community. She is purposefully demeaning, denigrating, defaming one of the most revered deities of Hinduism, Kali Ma. What Leena did is to create a hate poster and demean Hindus and defame our deities. This is absolutely unacceptable. I hope Aga Khan Museum reconsiders it, and there should also be a case filed on her for provoking Hindu sentiments. विनोद जी, जब कोई लिबर्टी की मांग करता है, कोई फ्रीडम आजादी की मांग करता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, आपको संवेदनशील भी होना पड़ता है। लेकिन यहां पर संवेदनशीलता की जिम्मेदारियों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। कानून को कड़ा और होने की जरूरत नहीं है? नहीं, कानून को नहीं, कानून को कड़ा होने की जरूरत नहीं है, कानून का डंडा कड़ा चलाने की जरूरत है। आप देखिए कि इन्हीं कानून के तहत जो है बाकी लोगों का जबान बंद की जा सकती है, तो इनकी क्यों नहीं? आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर जो है, अभिव्यक्ति के नाम पर इस तरह की स्वतंत्रता कैसे बर्दाश्त की जा सकती है कि कोई किसी की सेंटिमेंट को कैसे ही किल करने के चक्कर में लगा रहे। आखिरकार ये जो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो क्या नूपुर शर्मा को क्यों नहीं है भाई? हाँ। नवीन जिंदल को क्यों नहीं है? और उन पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाता? अगर ये कोई बात करे कि किसी और की लाइफ पर फिल्म बना के देखो ना जी, हमारे यहाँ भगवान राम भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में हम खुले में चर्चा करते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई चिंता करता है क्या? और ये सोचना होगा कि हिंदुओं की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो शांत हैं, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो हंगामा नहीं करते हैं, वो उपद्रव नहीं करते हैं।